बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज हम दिल्ली बिरयानी बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले चूल्हे पे कढ़ाई रखेंगे और इसमें आधा कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। और 2.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे इसमें और इसे थोड़ा भूनेंगे। इसे थोड़ा भून लेंगे ब्राउन होने तक। अब इसमें बीफ का गोश्त डालेंगे 1.5 किलो। देखिए 1.5 किलो बीफ का गोश्त है। इसे थोड़ा मिक्स कर लेंगे। दिल्ली बिरयानी बहुत मज़े का बनता है, आप भी बनाकर खाएं। बहुत ही मसाले वाला होता है और जूसी जूसी मज़े का लगता है खाने में। 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 बड़ी इलायची और 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1.5 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 2 चम्मच नमक। वैसे नमक मिर्ची आप अपने हिसाब से डाल सकती हैं। अब इसे थोड़ा भूनेंगे 4-5 मिनट तक ताकि मसाला का कच्चापन निकल जाए। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाना ना भूलें। ये देखें इसका भुनाई हो चुका है, 4-5 मिनट इसे भुने हैं। अब इसमें दही डालेंगे। एक प्याली दही डालेंगे इसमें। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 2 कप पानी डालेंगे। दो कप पानी डाल के इसे मिक्स करेंगे। अब इसे ढककर पकाएंगे गल जाने तक। चेक कर लेते हैं गला या नहीं। ये गोश्त अब गलने पे आ चुका है। अब इसमें 2 आलू डालेंगे। आपको अगर पसंद है आलू तो डालें, नहीं तो ना डालें। मेरी यहाँ तो सब बहुत पसंद करते हैं बिरयानी में आलू। अब इसे आलू गलने तक पकाएंगे। चेक कर लेते हैं आलू गला या नहीं। देखिए आलू गल चुका है। अब इसमें थोड़ा सा जाफरानी रंग डालेंगे
क्वार्टर चम्मच, और तला हुआ प्याज डालेंगे, ये पांच प्याज हम फ्राई करके रख लिए थे, अब इसमें डाल देंगे कोरमे में, थोड़ा सा बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। अब इसे और थोड़ा देर पकाएंगे 10 मिनट तक। ये चूल्हे पे हम पानी रख दिए थे चावल के लिए, इसमें अब हम डालेंगे 2 चम्मच नमक, 3 तेज़पत्ता, 1 चम्मच जीरा, और 4-5 लौंग, 4-5 छोटी इलायची, और 2 चम्मच कुकिंग ऑयल, ताकि चावल अलग अलग हो, चिपके ना। अब इसे उबाल आने तक पकने देंगे। देखें इसमें उबाल आ चुका है पानी में, अब इसमें चावल डालेंगे। चावल बासमती चावल 1 किलो लेकर हम धोकर 20 मिनट के लिए भिगा दिए थे, अब इसमें चावल डाल के 2 कन्नी रहने तक पकाएंगे। देखें कोरमा तैयार हो चुका है। चावल चेक कर लेते हैं हुआ या नहीं। ये हो चुका है, इसका पानी निकाल लेंगे, और पतीली में टमाटर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से फैला लेंगे। इस तरह से सबसे पहले टमाटर डालेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक छिड़क देंगे, ताकि वो फीका फीका सा टमाटर लगता है खाने में, नमक डालने से बहुत मज़े का लगेगा। बस 1 चुटकी नमक छिड़क देंगे इसके ऊपर। अब इसमें हरी मिर्च डालेंगे, और कोरमा डाल देंगे इसके ऊपर। ये कोरमे का मसाला पीकर टमाटर बहुत मजे का हो जाता है, इसलिए नीचे डालते हैं टमाटर हमेशा। ये सारा कोरमा डाल चुके हैं, अब इसके ऊपर पुदीना थोड़ा डालेंगे, पुदीने का पत्ता, और थोड़ा हरी धनिया का पत्ता डालेंगे। अब सारा चावल डाल देंगे जो उबाल के रखे थे। अब इस पर जाफरानी रंग डालेंगे, ऑरेंज कलर, और केवरा बिरयानी एसेंस 1 चम्मच लेकर 1 चम्मच पानी में मिक्स करके डाल देंगे, और 4-5 चम्मच घी डालेंगे इसके ऊपर छोटे चम्मच से।
अब इसे ढककर दम पे लग चूल्हे पे रख देंगे दम के लिए, और 5 मिनट तेज आंच पे रखेंगे और 10 मिनट फिर हल्की आंच पे रखेंगे। 15 मिनट में ये हो जाएगा। ये देखिए 15 मिनट हो चुका है, चेक कर लेते हैं। देखें चावल बिल्कुल गल चुका है, देखें गल गया है चावल। अब ये तैयार हो चुका है, अब डिश आउट करेंगे। देखें कितने मज़े का लग रहा है देखने में, और खाने में भी बहुत मज़े का होता है। दिल्ली बिरयानी मसालेदार जूसी जूसी आप ज़रूर बनाएं, बहुत ही मज़े का लगेगा खाने में। अब इस पे थोड़ा सा प्याज छिड़क देंगे तला हुआ। देखें ये तैयार हो चुका है दिल्ली बिरयानी मसालेदार जूसी जूसी, आप ज़रूर बनाएं, खाएं, घर वालों को खिलाएं, खुश रहें, आबाद रहें। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।